Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all will be fine with the grace of Allah Almighty. Today I am going to teach you social studies of grade 3. First of all, recite dua with me. Rabbi zidni ilma. Now move towards the planner. Dear students, today we are going to do the week 7. In week 7, we will do the planner number 3 and 4. Write down the date here. Lesson number 5, weather and seasons. And in week 8, we will do the planner number 1 and 4. Now move towards the book for the reading on page number 25. First of all, write down the date and day at the top of the page. Lesson number 5, weather and season. Let's start the reading of the lesson, weather. Our earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. Sometimes air becomes hot and sometimes it becomes cold. This change in air is known as a weather. Weather keeps changing from day to day. Dear students, हमारी जो जमीन है इसके गिर्द हवा की एक तह है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. बाज़ औक़ात क्या होता है, हवा गर्म हो जाती है और बाज़ औक़ात ठंडी हो जाती है. हवा में ये जो तब्दीली होती है क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है. और मौसम में ये जो तब्दीली है वो रोजाना होती है. There are different conditions of weather as. अब मौसम जो है वो मुख्तलिफ तरह का होता है. कभी आसमान पे बादल होते हैं, कभी आसमान पे सूरज होता है, कभी बारिश हो रही होती है. तो इस तरह से ये जो वेदर है, वेदर की डिफरेंट कंडीशन है. जब आसमान पे बादल होंगे तो वेदर कौन सा होगा, इट्स क्लाउडी. एट दैट टाइम द वेदर इज क्लाउडी. तो जब आसमान पे बादल होंगे तो वेदर होगा क्लाउडी. जब बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो वेदर क्या होगा, कोल्ड. और जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो हॉट. जब बारिश हो रही होगी तो वेदर कौन सा होगा, इट्स रेनी. तो वेदर हमारे पास होगा बारिश वाला. जब आसमान पे सूरज होगा तो वेदर कौन सा होगा, सनी. और जब बर्फ पड़ी होगी तो क्या होगा, इट्स स्नोई. सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वेदर. नाउ सीजन. व्हेन वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड वी कॉल इट अ सीजन. जब मौसम काफी लंबे वक्त तक एक सा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं. जैसे पाकिस्तान में हमारे पास कितने सीजन हैं, देयर आर द 4 सीजन इन पाकिस्तान, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. देयर आर 4 सीजन्स. नाउ स्प्रिंग, मौसम बहार. स्प्रिंग इज द टाइम व्हेन द वेदर बिकम्स वार्मर इन पाकिस्तान. मार्च एंड अप्रैल आर द मंथ्स ऑफ द स्प्रिंग सीजन. New leaves appear on the trees and flowers bloom in different colors in this season. Days and nights become equal. मौसम बहार. बहार वो वक्त होता है जब मौसम गर्म होना शुरू होता है. और पाकिस्तान में बहार का मौसम मार्च और अप्रैल के महीने में होता है. इस मौसम में मुख्तलिफ किस्म के फूल खिलते हैं और नए पत्ते दरख्तों पर निकलते हैं. और इस मौसम में क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं. डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल. दिन और रात इक्वल हो जाते हैं. नाउ मूव टुवर्ड्स द पेज 26 ऑफ योर बुक. द सेकंड सीजन इज समर. इट इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट टाइम फॉर समर. In Pakistan, the months of May, June and July are very hot. The days of summer are longer than the nights. मौसम गर्मा, ये साल का गर्म तरीन मौसम होता है. हर मुल्क में गर्मी के लिए मुख्तलिफ वक्त होता है. और पाकिस्तान में कौन कौन से महीने बहुत ज्यादा गर्मी होती है. पाकिस्तान में मई, जून और जुलाई बहुत गर्म महीने होते हैं. और गर्मियों के दिन रातों की निस्बत क्या होते हैं, बड़े होते हैं. डेज जो है वो रातों की निस्बत बड़े होते हैं. द थर्ड वन इज ऑटम, मौसम खजां. ऑटम इज अ सीजन व्हेन लीव्स टर्न ब्राउन एंड स्टार्ट टू फॉल. दिस इज अ शॉर्ट सीजन. इट इज नीदर हॉट नॉर कोल्ड. द विंड गेट्स कूलर एंड बर्ड स्टार्ट टू माइग्रेट. इन पाकिस्तान This season comes in the month of October to the middle of the November. In this season, nights began to get long. अब मौसम खजां में क्या होता है, इसमें जो इस मौसम में पत्ते ब्राउन हो जाते हैं और फिर वो दरख्तों से गिरना शुरू हो जाते हैं. ये छोटा मौसम होता है
ये ना ही ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म होता है, ये बस दरमियाना सा मौसम होता है। हवा इसमें ठंडी हो जाती है और जो परिंदे होते हैं वो हिजरत करना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये जो मौसम है अक्टूबर और नवंबर के दरमियान में आता है और इस मौसम में रातें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। नाउ विंटर, विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर इन पाकिस्तान। द मंथ्स ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर वेरी कोल्ड इन विंटर। डेज बिकम शॉर्ट एंड नाइट्स बिकम लॉन्ग। मौसम सर्मा ये साल का सबसे सर्द तरीन मौसम होता है पाकिस्तान में। ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी के जो महीने हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी वाले होते हैं। और सर्दियों में दिन छोटे और छोटे और रातें क्या बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। सो दीज आर द फोर सीजन इन पाकिस्तान, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। नाउ क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन आबो हवा। क्लाइमेट इज द कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोर देन 30 ईयर्स इन पाकिस्तान वी हैव कूल एंड वार्म क्लाइमेट। अब आबो हवा क्या होता है, जब किसी भी खास जगह का औसतन मौसम जो लंबे अरसे तक रहता है वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट मीन्स आबो हवा कहलाता है। जैसे पाकिस्तान में दो तरह की आबो हवा है, जैसे गर्म और सर्द, या तो गर्मी होती है या थोड़ी या फिर सर्दी होती है। जैसे कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौसम सर्द रहता है और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे मौसम जिसकी जो क्लाइमेट है वो गर्म रहता है। लेकिन पाकिस्तान में दो तरह का क्लाइमेट है, या एक कूल और दूसरा कौन सा है, वार्म। टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया वी हैव टू मेजर द डेली टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी इलाके की आबो हवा के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, उस जगह के दर्जा हरारत मीन टेम्परेचर को काफी लंबे अरसे तक रोजाना मेजर करना होगा। अब जब वो टेम्परेचर काफी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 30 डेज तक टेम्परेचर अगर हम उसका चेक करेंगे किसी भी एरिया का, अगर वो गर्म होगा तो उसी तरह अगर हम उसका नेक्स्ट मंथ में अगेन चेक करेंगे तो वो फिर दोबारा से गर्म आएगा। तो इस तरह से जब वो ज्यादा अरसे तक अगर मौसम जो टेम्परेचर हमारा सेम आता रहेगा तो वो वहां का क्लाइमेट बन जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल। नाउ अ थर्मोमीटर, इट मेजर्स द एयर टेम्परेचर, इट कैन टेल हाउ वार्म एंड कोल्ड कंडीशंस आर। अ थर्मोमीटर क्या होता है, इससे हवा का दर्जा हरारत मालूम किया जाता है। ये हमें क्या बताता है कि कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी। थ्रू टेम्परेचर वी मेजर्स द एयर टेम्परेचर, थ्रू थर्मामीटर सॉरी। नाउ मूव टुवर्ड्स द बुक पेज नंबर 27। नाउ अ बैरोमीटर, इट मेजर्स एयर प्रेशर, इट टेल्स वेदर द प्रेशर इज राइजिंग और फॉलिंग। हाई एयर प्रेशर मीन्स गुड वेदर एंड लो एयर प्रेशर मीन्स बैड वेदर। अब बैरोमीटर क्या होता है, ये हवा के दबाव को मेजर करता है, ये हवा के उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। अगर ज्यादा प्रेशर का मतलब क्या होता है कि मौसम अच्छा है, और कम प्रेशर का मतलब है कि मौसम बुरा है। रेन गेज, अ रेन गेज मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेन दैट हैज फॉलन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब रेन गेज क्या करता है, ये बारिश की मिकदार को जो किसी खास वक्त में होती है उसे मेजर करता है। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेन दैट हैज फॉलन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। A wind vane is an instrument that determines the direction from which the wind is blowing. Wind vane क्या है, ये एक instrument, ये एक आला है जो हवा की सिम्त के बारे में बताता है कि हवा किस सिम्त, किस direction से चल रही है। Dear students, read the lesson twice. Now move towards the workbook for the working of unit number 5. On page number 35, workbook, page number 35. Weather and seasons, my interpretation. Observe the two pictures carefully and write down the reason for the change in the environment. Now, dear students, here we have two pictures and we have to observe it and tell the reasons for the change in the environment. The first picture is of the lane of hot, it is a hot
desert. And why it is hot? The seasons in hot and dry deserts are usually very hot. जो सहरा होते हैं वहां पे जो हमारा मौसम होता है वो आमतौर पे क्या बहुत ज्यादा गर्म होता है और खुश्की होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जमीन ऐसी हो जाती है. Therefore, the land of desert is barren and dry. जिसकी वजह से जो सहरा है उसकी जमीन बंजर होती है और खुश्क हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह हॉट डेजर्ट, द सीजन्स इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट आर यूजली वेरी हॉट. Therefore, the land of desert is barren and dry. In second picture, this is a picture of plain or a valley. They have all four seasons and rivers. Therefore, plains have greenery, fruits and flowers. अब सहरा में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो वादी होती है, जो प्लेन एरिया जो है, वहां पे फोर सीजन होते हैं और वहां पे दरिया भी होता है, और जिसकी वजह से वहां पे ग्रीनरी भी होती है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी होते हैं. इन सेकेंड पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ प्लेन और अ वैली. दे हैव ऑल फोर सीजन्स एंड रिवर्स. देयरफॉर प्लेन्स हैव ग्रीनरी, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. नाउ मूव टुवर्ड्स द वर्कबुक पेज नंबर 36. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट एंड डे, वेदर एंड सीजन. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1, Days and nights become equal in dash. जो दिन और रात बराबर कौन से मौसम में हो जाते हैं? Spring में, summer और autumn. So the days and nights become equal in spring. Circle the option A and also write the spring on the blank. Number 2, dash is the hottest season of the year. साल का गर्म तरीन मौसम कौन सा होता है? स्प्रिंग, समर और ऑटम. सो द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर इज समर. सर्कल द ऑप्शन बी एंड आल्सो राइट इट ऑन द ब्लैंक. नंबर 3, बर्ड्स स्टार्ट टू माइग्रेट इन डैश. जो परिंदे होते हैं वो कौन से मौसम में हिजरत करने शुरू हो जाते हैं? इन स्प्रिंग, इन समर और इन ऑटम. सो द बर्ड्स स्टार्ट टू माइग्रेट इन ऑटम. सर्कल द ऑप्शन सी एंड आल्सो राइट द ऑटम इन द ब्लैंक. नंबर 4, डैश इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. साल का सर्द तरीन मौसम कौन सा होता है? ऑटम, स्प्रिंग और द विंटर. सो द विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल इन स्प्रिंग. समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. बर्ड्स स्टार्ट टू माइग्रेट इन ऑटम एंड विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. Part 2, question number 2, write true or the false, correct if the sentences are wrong. आपने true, जो true है उसके लिए आपने true लिखना है और false के लिए आपने F लिखना है, और आपने जो sentences गलत है उनको correct भी करना है. Number 1, a thermometer measures the amount of rain. जो thermometer है वो बारिश की मिकदार को measure करता है? No. A thermometer measures the air pressure. Thermometer जो है वो air के pressure, air temperature को check करता है, amount of rain को नहीं check करता. और amount of rain को measure करने के लिए क्या होता है हमारे पास? Rain gauge. A rain gauge is used to measure the amount of rain. Write down F here in front of the first sentence. Second, in winter days are longer than the nights. सर्दियों में जो हमारे दिन है वो रातों के निस्बत लंबे हो जाते हैं? नो. इन विंटर डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स. सर्दियों में जो हमारे दिन है वो रात की निस्बत छोटे होते हैं. राइट डाउन एफ इन फ्रंट ऑफ द सेकंड सेंटेंस. नंबर 3, इन स्प्रिंग लीव्स टर्न ब्राउन. अब मौसम बहार में जो हमारे लीव्स हैं वो पत्ते जो हैं वो ब्राउन हो जाते हैं? नो. इन ऑटम लीव्स टर्न ब्राउन. Write down F in front of the third sentence. Now number 4, a barometer measures air pressure. जो barometer है वो air के pressure को measure करता है? Yes, you have to write T in front of the fourth sentence. Now number 5, a wind vane determines the direction of wind. जो wind vane है उससे हमें हवा की सिमत के बारे में बताती है? Yes, इसके पता चलता है? True. You have to write T in front of the fifth sentence. Now move towards the workbook page number 37. Mention date and day at the top of the page. Question number 3, what is season? Season kya hota hai?
When weather remains the same for a long period, we call it a season. जो हमारा मौसम है जो डेली चेंज होता है, जब ये थोड़े से अरसे के लिए, थोड़े से लंबे अरसे के लिए एक सा रहता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं. जैसे पाकिस्तान में 4 सीजन है जो 3-3 मंथ्स के लिए होते हैं, जैसे समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. When weather remains the same for a long period, we call it a season. जब मौसम लंबे अरसे तक एक सा रहता है उसे क्या कहते हैं? सीजन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस? किसी भी जगह के क्लाइमेट को, किसी भी जगह की आबोहवा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस. किसी भी जगह के क्लाइमेट को चेक करने के लिए हमें उस जगह के टेम्परेचर को डेली चेक करना होगा, ठीक है? बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस. क्वेश्चन नंबर 5, When does winter come? सर्दी का मौसम कब आता है? It comes in December, January and February. ये December, January और February के महीने में आता है. It comes in December, January and February. Question number 6. What is a rain gauge? Rain gauge क्या होता है? A rain gauge measures the amount of rain that has fallen over a specific time period. Rain gauge क्या है? ये measure करता है बारिश की मिकदार को जो किसी भी खास वक्त में किसी जगह पर पड़ती है. A rain gauge measures the amount of rain that has fallen over a specific time period. Question number 7, what are these and name them? The first is barometer, second one is wind vane, and the third one is rain gauge. Barometer, it measures the air pressure. Wind vane, it is an instrument that determines the direction from which the wind is blowing. And rain gauge, a rain gauge measures the amount of rain. It measures the amount of rain. Now moves towards the workbook, page number 38, write down the date and day. Question number 8, what is barometer? Barometer kya hota hai? It is an instrument which is used to measure air pressure. Ye bhi ek instrument hai jiske zariye air pressure ko measure kiya jata hai. It is an instrument which is used to measure air pressure. Question number 9, how climate is different from weather? अब क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी जगह का जो औसतन टेम्परेचर, जो औसतन मौसम होता है जो काफी लंबे अरसे तक एक सा रहता है, तो वो उसे कहते हैं क्लाइमेट. वेदर इज द डे टू डे चेंज इन एटमोसफेयर. वेदर क्या होता है? जो हमारा डेली चेंज होता है ना, जैसे आज क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये जो हमारा रोजाना टेम्परेचर, जो वेदर हमारा रोजाना चेंज होता है उसे वेदर कहते हैं. और जब वही वेदर काफी लंबे अरसे तक एक सा रहता है तो उसे कहते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. While weather is the day-to-day change in atmosphere. Understand the questions and answer accordingly. Question number 1. Suppose you are going to the hill station in the month of January. Which clothes will you pack and how will these clothes help you at the hill station? First, करें आप किसी पहाड़ी स्टेशन पे जा रहे हैं जनवरी के महीने में, तो आप कौन से कपड़े अपने साथ पैक करके लेकर जाएंगे और वो कपड़े आपकी कैसे हेल्प करेंगे? So I will pack the clothes like sweater, coat, jacket, cap, gloves, etc. Because ये कौन सा वेदर होगा? ये सीजन, सॉरी, ये तो सीजन कौन सा होगा? ये विंटर सीजन, जनवरी जो महीना है, ये इस महीने में सर्दी होती है ना, तो हम सर्दियों के लिहाज से कपड़े पैक करेंगे. They will keep warm, और ये हमें गर्म रखेंगे, ठीक है. I will pack the clothes like sweater,
coat, jacket, cap, gloves, etc. And they will keep warm. What will happen if you pack the wrong clothes? अगर फर्स्ट करें आप गर्मियों की सर्दियों की जगह गर्मियों के कपड़े पैक कर लें, फिर क्या होगा अगर आप गलत कपड़े पैक कर लेंगे? Then I will become ill. तो जाहिर है अगर मैं गर्म कपड़े पैक कर गर्मी के कपड़ों को पैक कर लूंगी सर्दियों के बजाय तो मैं बीमार हो जाऊंगी. Then I will become ill. Now move towards the workbook page number 39. Write down the date and day. Now project written. Read the sentences, guess and specify the season they belong to. Number 1. All the trees and plants are in bloom. कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें जो हमारे दरख्त और पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं? Spring. Number 2. Swarm of bees rush at the flowers. मक्खियों का जो झुंड होता है वो फूलों पर कौन से मौसम में आता है? In spring season. Number 3. Everyone loves to eat ice cream. सब लोग आइसक्रीम कौन से मौसम में खाना पसंद करते हैं? In summer season. Number 4. The trees bring new leaves on their branches. कौन से मौसम में दरख्तों पर नए branches निकलती हैं? In spring. कौन से मौसम में दरख्तों पर नए पत्ते निकलते हैं उसकी शाखों के साथ? सो इन स्प्रिंग सीजन. नंबर 5. चिल्ड्रन लव मेकिंग स्नोमैन. बच्चे कौन से मौसम में स्नोमैन बनाना पसंद करते हैं? इन विंटर सीजन. नंबर 6. कलरफुल बटरफ्लाइज फ्लाई अप इन द एयर. जो रंगीन तितलियां होती हैं हवा में कौन से मौसम में उड़ती हैं? इन स्प्रिंग सीजन. Leaves are falling off trees. पत्ते जो हैं दरख्तों से गिरना शुरू हो जाते हैं कौन से मौसम में? In autumn. Number 8. The nights get longer. जो रातें हैं वो लंबी हो जाती हैं कौन से मौसम में? In winter. The birds migrate southward. जो परिंदे हैं वो हिजरत करने लग जाते हैं कौन से मौसम में? In autumn. The weather is cool and the days are getting shorter. जो मौसम है वो ठंडा होने लग जाता है और जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं इन विंटर सीजन. नंबर 11. पीपल वेयर थिक कोट्स ग्लव्स एंड बूट्स. कौन से मौसम में हम कोट्स ग्लव्स और बूट्स वगैरह यूज करते हैं? इन विंटर सीजन. द डेज आर वेरी लॉन्ग. दिन जो होते हैं जो हैं बहुत लंबे हो जाते हैं इन समर सीजन. सो ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स आर ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन. Swarm of bees rush at the flowers in spring season. Everyone loves to eat ice cream in summer season. The trees bring new leaves on their branches in spring season. Children love making snowmen in winter season. Colorful butterflies fly up in the air in spring season. Leaves are falling off trees in autumn season. The nights get longer in winter season. The birds migrate southward in autumn season and the weather is cool and the days are getting shorter in winter. People wear thick coats, gloves and boots in winter and the days are very long in summer season. Dear students, workbook page number 40 is your homework. Dear students, do all the work neat and clean on the workbook. Stay home, stay blessed. Allah Hafiz.